वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 3 इंटू ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस 5 ए की पावर एक्स लॉग बेस ए एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए दो अलग अलग फंक्शन में दो दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट वाला अलग अलग फार्मूला लगेगा। ये वाला फार्मूला लगेगा y बराबर u इंटू वी दिया है। अगर फंक्शन में दो फंक्शन दिए हुए हैं dy वाई अपॉन डी एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे dv वी अपॉन डी एक्स होगा और सेकंड को बाहर करेंगे तो du यू अपॉन डी एक्स। ये वाला फार्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में। और बाकी अलग अलग जो ये जो फंक्शन दिए हैं इनका फार्मूला होगा, फार्मूले के आधार पर इनका अवकलन गुणांक रख सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन करते समय हमें इन कुछ फार्मूलों का यूज करना पड़ेगा इस फंक्शन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है 3e की पावर x साइन x प्लस 5a की पावर x लॉग बेस ए एक्स, यहाँ पे दिया हुआ है। इनका हमें निकालना है dy/dx 3e की पावर x साइन x प्लस d/dx 5a की पावर x log बेस x, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे 3 को बाहर कर देते हैं, पहले इसका निकालते हैं, फर्स्ट को बाहर करते हैं तो सेकंड का अवकलन निकालेंगे तो साइन x का अवकलन गुणांक होता है cos x प्लस साइन x को बाहर करेंगे तो e की पावर x का अवकलन गुणांक होता है वही e की पावर x प्लस 5। इसमें ए एक्स को बाहर करेंगे इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/x log a बेस e प्लस, जब इसको बाहर करेंगे इसका निकालेंगे a की पावर x log बेस a हो जाता है। ये इसका अवकलन गुणांक हुआ। अलग अलग फार्मूले का यूज़ किया गया। साइन x का अवकलन गुणांक होता है cos x, e की पावर x का अवकलन गुणांक e की पावर x होता है, ए एक्स का अवकलन गुणांक होता है ए एक्स का अवकलन गुणांक होता है ए एक्स लॉग बेस ए, और लॉग बेस ए एक्स का होता है 1/x लॉग बेस ए ई होता है। अलग अलग हमने इन अलग अलग फंक्शन का अलग अलग फार्मूला लगाया गया, डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज किया गया। अब यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पे इसमें e की पावर x कामन ले लेते हैं, पहले e की पावर x कामन लेंगे तो क्या आएगा cos x प्लस साइन x हो जाएगा प्लस इसमें a की पावर x कामन ले लेते हैं और हाँ इसमें a की पावर x कामन ले लेते हैं, a की पावर x कामन लेंगे तो क्या आएगा 1/x log बेस a e प्लस इसमें क्या बचेगा log बेस x log बेस a, ये आ रहा है। इस क्वेश्चन का अवकलन गुणांक ये निकलेगा। तो बस फंक्शन में अलग अलग फार्मूला रखना है अवकलन गुणांक का। आप डायरेक्ट फार्मूला रखते जाएंगे आपका सवाल हल हो जाएगा। बस आपको डिफरेंशिएशन के कुछ फंक्शन के कुछ अवकलन गुणांक के फॉर्मूले दिए हुए हैं। अगर आपको अवकलन गुणांक के फॉर्मूले पता हैं तो आप इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, e की पावर x sin x x की पावर p cos x, इसका अवकलन गुणांक निकालना है तो d/dx e की पावर x sin x d/dx x की पावर p cos x। पहले तो ये देखना है कि यहाँ पे दो फंक्शन दिए, जब दो फंक्शन दिए होते हैं तो डबल वाला फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करके सेकंड वाले का अवकलन गुणांक निकालते हैं, सेकंड वाले को बाहर करके फर्स्ट वाले का अवकलन गुणांक निकालते हैं। तो पहले फर्स्ट को बाहर करते हैं, साइन एक्स का अवकलन गुणांक होता है कॉस एक्स, और साइन एक्स को बाहर करते हैं तो ई की पावर एक्स का अवकलन गुणांक ये हो जाएगा प्लस, इसी तरीके से एक्स की पावर पी का अवकलन गुणांक निकालते हैं तो कॉस एक्स का अवकलन गुणांक माइनस साइन एक्स होता है प्लस, कॉस एक्स को बाहर करते हैं एक्स की पावर पी का अवकलन गुणांक निकालते हैं पी एक्स पी इंटू एक्स की पावर पी माइनस वन,
ये होता है। सीधे सीधे क्या करना है, अब इसको ब्रेक कर देते हैं, e की पावर इसमें e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x हो जाएगा, इसमें माइनस x की पावर p साइन x हो जाएगा सिंपल करने पे, प्लस p x की पावर p माइनस वन cos x हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का उकलम गुलाब ये निकला, यही इसका आंसर आएगा। तो कैलकुलस में अवकलन गुणांक के कुछ फार्मूले बस आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, फार्मूले बस आपको याद होने चाहिए, फार्मूले की प्रैक्टिस कर लीजिए, भले आपको फार्मूला नहीं याद हो रहा है तो आप लिख के प्रैक्टिस करिए। थर्ड क्वेश्चन, यदि y बराबर log x की पावर x हो तो dy वाई अपॉन डी एक्स याद कीजिए। तो y बराबर दिया है log x की पावर x, तो इसका हमें dy वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। जब भी आपको स्टेप में दिया हो x की पावर x के फॉर्म में दिया हो, तो पहले हम इसको क्या मान लेते हैं, लेट्स कंसीडर, तो क्या करते हैं z इक्वल टू x की पावर x, तो x की पावर x को ये मान लेते हैं, अब इसका निकालते हैं, तो dy वाई अपॉन डी एक्स, तो dy वाई अपॉन डी वाई डी एक्स लॉग x की पावर x, तो जब ये आएगा dz, तो x की पावर x को हमने ये माना है, तो ये हो जाएगा z, तो ये dz अपॉन dx, तो dy वाई डी एक्स को ऐसे लिखना है ताकि हमें इसके ये जो z माना है इसका भी अवकलन गुणांक होगा, इसलिए हमने dy वाई डी जेड किया और dz अपॉन dx इस तरह से करेंगे, तो ताकि dy वाई डी एक्स ही रहे, इसके फंक्शन में कोई चेंज बना है, तो डी जेड और डी जेड कैंसिल हो जाएगा, तो यही आएगा, यही बचेगा। अब सीधे सीधे क्या करना है, इसका अवकलन गुणांक निकाल लेते हैं पहले सिंपल, डी जेड अपॉन डी एक्स, नहीं यहाँ पे सीधे सीधे क्या करना है, यहाँ पे दोनों साइड पहले, जब भी पावर का पावर अगर सेम होता है तो हमेशा उसका हम लॉग लेते हैं, दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं, लॉग जेड लॉग एक्स की पावर एक्स, जब भी पावर को हमें हटाना होगा तो लॉग लेना पड़ता है। तो लॉग का मतलब, लॉग का फार्मूला होता है लॉग एम की पावर एन का फार्मूला होता है एन लॉग एम, इस फार्मूले से ये चेंज हुआ है, तो ये हो जाएगा लॉग जेड, ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स लॉग जेड, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, इस तरीके से ये लॉग डी बाई डी जेड लॉग जेड, तो डी जेड अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिख लेंगे, अब इसका अवकलन गुणांक निकालते हैं, जब एक्स को बाहर करेंगे तो लॉग एक्स का अवकलन गुणांक होता है वन अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स का हम अवकलन गुणांक निकालेंगे, लॉग एक्स को बाहर करेंगे तो एक्स का अवकलन गुणांक होता है वन, तो ये कट जाएगा डी बाई डी जेड, इसका जब निकालेंगे डी बाई डी जेड लॉग जेड, तो इसका अवकलन गुणांक हो जाएगा वन अपॉन जेड, तो डी जेड अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तो ये सीधे सीधे आ जाएगा वन प्लस लॉग एक्स आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये log z है तो इसको 1 अपॉन z कर सकते हैं, और dz अपॉन dx हो जाता है, और यहाँ पे 1 अपॉन z dz अपॉन dx की वैल्यू ये दी हुई है, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, इसकी वैल्यू ये दी हुई है तो इसको हम उठा के यहाँ रखेंगे, तो 1 प्लस log x हो जाएगा, तो इसका dy अपॉन dx जो होगा वो ये आएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स को हमें कंसीडर करना होता है, बिना कंसीडर किए आप ये निकाल नहीं सकते डायरेक्ट, तो ये जेड के सापेक्ष हमें अवकलन गुणांक निकालना होगा, तो इस तरह से निकाल के करेंगे, और इस तरीके से कंसीडर पहले अलग से निकाल लेंगे, तब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन,
वाई बराबर, यदि वाई बराबर एक्स इंटू साइन एक्स तो सिद्ध कीजिए कि आ जाए, तो वाई बराबर एक्स इंटू साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ पे दो फंक्शन दिए हैं, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करके निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे तो उसका अवकलन गुणांक होगा साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स को बाहर करेंगे तो एक्स का वन हो जाएगा, तो डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वाई दिया है, तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं, वाई से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड में वन अपन वाई किया गया। अगर हम वन अपन वाई से मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ तो क्या होता है, तो हम वन अपन इस तरफ क्या करते हैं, वन अपन वाई की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे वाई को डिवाइड कर देते हैं, वाई की वैल्यू को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे वाई से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे इससे डिवाइड कर देते हैं, रखते हैं एक्स कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स, ब्रेक करने पे साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, तो ये देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स साइन एक्स अपन कॉस एक्स अपन साइन एक्स को कॉट एक्स बोलते हैं, और ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा तो वन अपान एक्स हो जाएगा, तो वन अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स, इस तरह से निकालेंगे। और हमको लाना क्या है, ये कॉट एक्स खाली लाना है, तो वन अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स, वन अपान एक्स को उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस वन अपान एक्स हो जाएगा इक्वल टू कॉट एक्स हो जाएगा, यही हमको प्रूफ करना था। इस तरीके से अवकलन गुणांक निकाल के आपको आसानी से निकल जाएगा, बस आपको देखना है क्या क्या लाना है प्रूफ में। इसको देखते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, y बराबर साइन एक्स इंटू कॉट कॉस टू एक्स, अब हमें ये लाना है, तो इसका y अपन डी वाई अपन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपन डी एक्स निकालेंगे। ध्यान से देखिए फर्स्ट फंक्शन को डी वाई अपन डी वाई डी एक्स साइन एक्स कॉस टू एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे साइन एक्स आया। अब कॉस टू एक्स का अगर अवकलन गुणांक निकालते हैं तो हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा, तो जब इसको भी अलग से ब्रेक करना हुआ, हम इससे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, डायरेक्ट करने पर क्या होगा, कॉस टू एक्स का अवकलन गुणांक होता है माइनस साइन टू एक्स हो जाएगा, लेकिन जब इसको कंसीडर करेंगे तो ये टू एक्स का भी अवकलन गुणांक होगा, तो जब टू एक्स का अवकलन गुणांक होगा तो ये एक्स वन हो जाएगा और टू बाहर आ जाएगा प्लस। अब क्या करना है, कॉस टू एक्स को बाहर किया, इसका अवकलन गुणांक करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ये आ गया, तो डी वाई अपन डी एक्स निकल गया, सिंपल था। लाना हमको ये, फिर वही करना है, वाई का हम डिवाइड कर देते हैं, तभी अगर हम दोनों साइड में वाई से जब डिवाइड करेंगे तो ये जब डिवाइड करने पे आएगा तो ये मल्टीपल में आ जाएगा इस तरीके से, तो वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यही इसी इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन टू में डिवाइड कर लेते हैं, इक्वेशन टू में फर्स्ट से डिवाइड करने पे, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, तो सिंपल करते हैं पहले, माइनस टू साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स, डिवाइड किया साइन एक्स कॉस टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस टू एक्स, क्योंकि हमें डिवाइड करना है, तो ये प्लस है तो अलग अलग करना पड़ेगा, साइन साइन एक्स कैंसिल हो गया, कॉस टू एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या आया माइनस टू साइन टू एक्स कॉस टू एक्स को हम टेन टू एक्स कहेंगे, अपान में है प्लस कॉस एक्स अपान साइन एक्स को हम बोलते कॉट एक्स, तो इस तरीके से सिंपल करने पे क्या आया, सिंपल करने पे वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाई उठ के इधर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, जब वाई उठ के इधर आएगा वाई, अब यहाँ पे कॉटेक्स पहले है तो कॉटेक्स को पहले ले लेते हैं, कॉटेक्स माइनस टू टेन एक्स टेन टू एक्स टू टेन टू इंटू टेन टू एक्स,
ये आ गया, इसको इस तरीके से लिख लिया, वाई को इसके मल्टीपल में आ गया, डिवाइड की वैल्यू अदर साइड जाती है तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाता है, यही प्रूफ करना था। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन लॉग बेस एक्स। जब भी आपका फंक्शन वाई बराबर यू अपॉन वी के फॉर्म में हो, फ्रैक्शन पार्ट में हो, तो इसका अवकलन गुणांक का फॉर्मूला ये होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, तो इसका अवकलन गुणांक होता है, यानी कि डी नोमिनेटर का स्क्वायर करके वी को बाहर करके डी यू अपॉन डी एक्स करते हैं, माइनस यू को बाहर करके डी वी अपॉन डी एस करते हैं, जब आपका फंक्शन फ्रैक्शन पार्ट में होगा। जब फ्रैक्शन पार्ट में होगा तो इस तरीके से फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसका अवकलन गुणांक निकालते हैं, तो जब हम इसका करेंगे तो लॉग बेस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, इसको लॉग बेस एक्स को यही रहेंगे, साइन एक्स का अवकलन गुणांक होता है कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स को बाहर करेंगे, लॉग बेस एक्स का अवकलन गुणांक होता है वन अपान एक्स, ये आ गया। तो इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि इसका डी बाई डी एक्स निकालना है, ये इसका डी बाई डी एक्स होगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कॉस एक्स लॉग बेस एक्स एक्स वन अपान एक्स साइन एक्स लॉग बेस एक्स का होल स्क्वायर, यही इसका अवकलन गुणांक होगा। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको कुछ अवकलन गुणांक के फार्मूले आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।